Dear student of class 6, I am starting your new chapter, chapter number 8, body movements. Human body and its movements. Our body can move its different parts in different directions easily. For example, when we can rotate our arm around the shoulder, we can also move our arm sideways, upward, downward. We can bend our arm at the elbow. बट वी कैन नॉट बेंड इट बैकवर्ड्स. देखो अगर आप अपनी आर्म को घुमाते हो शोल्डर के चारों ओर, ठीक है, तो आप मूव कर लेते हो उसको, ठीक है. आप अपनी आर्म को साइड वे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हो. अब अगर आप अपनी आर्म को बेंड करते हो तो आप अपनी एल्बो पे अपनी आर्म को बेंड कर लेते हो, ठीक है, आगे की तरफ. लेकिन इसे बैकवर्ड की तरफ करने लगते हो तो बेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. तो इट कैन बी बेंड एट द एल्बो. एल्बो पे एक साइड बेंट हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बेंट नहीं हो सकती. सिमिलरली वी कैन बेंड आवर लेग एट द नी, बट वी कैन नॉट बेंड इट बियॉन्ड 180 degree. वी कैन टर्न आवर नेक अराउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड. तो अगर हम लेग की बात करें तो नी पे बेंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये बियॉन्ड 180 degree मूव नहीं कर सकती, ठीक है. तो हम अपनी नेक को घुमाते हैं चारों ओर, टर्न करते हैं अपनी गर्दन को अप डाउन साइड टू साइड, फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ आर बॉडी इट इज क्लियर दैट ए फ्यू पार्ट्स कैन बी मूव्ड इजली इन वेरियस डायरेक्शंस. सम अदर पार्ट्स कैन बी मूव्ड ओनली इन वन और टू डायरेक्शंस और थ्रू अ सर्टन एंगल ओनली. सम पार्ट्स कैन नॉट बी मूव्ड एट ऑल. तो जब हम इन मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, हम सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें, हम इनकी मूवमेंट्स की बात करें, तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमारे इजिली हर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं. कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक या दो डायरेक्शन में मूव होते हैं, आगे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सर्टन एंगल पे ही मूव होते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो दस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इज पॉसिबल ओनली वेयर टू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी मीट और जॉइंट. अब हमारी मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है? हमारी मूवमेंट वहाँ वहाँ होती है जहाँ पर हमारी जॉइनिंग है, जॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है. जहाँ पर हमारी बोन्स जो हैं वो जॉइंट क्रिएट कर रही हैं, वहाँ वहाँ हमारी मूवमेंट पॉसिबल है. तो व्हाट आर दीज जॉइंट्स? तो ये जॉइंट्स क्या हैं? द लोकेशन इन आर बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट आर कॉल्ड एज जॉइंट्स. तो जहाँ पर हमारी बॉडी की दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आके मिलती हैं, जॉइन करती हैं, उन्हीं को ही हम जॉइंट्स बोलते हैं. ऑल आर मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स. जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारी वो जॉइंट और मसल्स की हेल्प से ही टेक प्लेस होती हैं, ठीक है. जहाँ पर हमारी टू और मोर बोन्स आके मिलती हैं और मसल्स की हेल्प से जो है यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होती है. तो ये हमारे क्या है? जॉइंट्स. एट जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स. Ligaments are the strong bands of tissues. These are of different types. There are different type of joints in our body. ठीक है, joints वो जगह है जहाँ पर हमारे bones जो हैं वो ligaments की हेल्प से जुड़े हुए हैं. Ligament क्या है? Ligament जो है हमारे strong bands of tissues हैं. देखो slide की photo के अंदर ligaments at a joint दिखाया हुआ है आपको, ठीक है. हमारी टू और मोर बोन्स जो हैं वो लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी होती है. लिगामेंट टिश्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज़ जो दो या दो से ज़्यादा बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, और यहीं पर ही हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है, और इसी जगह को ही हम जॉइंट बोलते हैं. फिक्स्ड जॉइंट्स. द जॉइंट्स अबाउट विच नो मूवमेंट ऑफ बोन्स इज पॉसिबल आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. वो जॉइंट जहाँ पर हमारी कोई मूवमेंट ना हो बोन की, दैट इज़ फिक्स्ड जॉइंट. द जॉइंट ऑफ द स्कल, अपर जॉ इज ए फिक्स जॉइंट. देखो आप अपना लोअर जॉ तो मूव करा सकते हो लेकिन अपर जॉ नहीं, ठीक है. तो आपका अपर जॉ जो है वो फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल है. आपका स्कल जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, ठीक है, जो स्कल है उसकी जो जॉइंट्स है दे कैन नॉट बी मूव, दे आर फिक्स्ड वन. तो दे आर सेट टू बी फिक्स जॉइंट्स. द अपर जॉ इज जॉइंट टू द रेस्ट ऑफ हेड थ्रू ए फिक्स जॉइंट. अपर जो है हमारी वो ऊपर का जो पार्ट है, हमारे हेड का जो ऊपर का पार्ट है उससे कनेक्टेड है, जॉइंट है, एक फिक्स जॉइंट की हेल्प से, जिसकी वजह से हम अपर जो को मूव नहीं करा सकते. ऐसे ही हमारी स्कल है. व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स?
अब हमने फिक्स जॉइंट की बात करी, अब हम बात करेंगे मूवेबल जॉइंट्स की, जो वो जॉइंट्स जहाँ पर हमारा मूवमेंट पॉसिबल है, दे आर सेट टू बी मूवेबल जॉइंट्स। द लोकेशन ऑफ द फोर मेजर मूवेबल जॉइंट्स इन आर बॉडी आर शोन। अब हमारी बॉडी के अंदर चार मूवेबल जॉइंट्स हैं जिनकी पोजीशन आपको दिखाई हुई है फोटो के अंदर, देखो स्लाइड की फोटो में, पिवोटल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट्स। दीज आर द जॉइंट्स वेयर द मोशन कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इन जॉइंट्स की पोजीशन को आपने देखना है, पिवोटल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो कहाँ दिखाया हुआ है, शोल्डर वाले पार्ट पे, ठीक है, नेक वाले पार्ट पे पिवोटल जॉइंट दिखाया हुआ है, हिंज जॉइंट जो आपकी शोल्डर के एल्बो के अंदर दिखाया है, ग्लाइंडिंग जॉइंट जो आपके फीट और नी पे, फीट वाले पार्ट पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर द मूवेबल जॉइंट्स वेयर द मोशन कैन बी, वेयर द मूवमेंट कैन बी पॉसिबल, सो दीज जॉइंट्स आर सेट टू बी मूवेबल जॉइंट्स। योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू लिसन इट 2-3 टाइम्स एंड ऑल्सो मेक यूर नोट्स, इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।